नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित रामी और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से आप कोई फोल्डर होता है या फिर कोई फाइल होती है या फिर मल्टीपल फाइल आप जीमेल के अंदर फॉरवर्ड कर सकते हो और आप विन जिप फाइल या फिर विन रार फाइल बना के किस तरीके से किसी को सेंड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम है विन रार। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सॉफ्टवेयर है, मैं उस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये जहां से डाउनलोड होता है उसकी सारी लिंक और डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो। अदर देन आप यहाँ पे विन RAR करके सर्च करोगे तो भी गूगल में सबसे पहली लिंक आएगी, वहां से आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। आप जब भी इसको डाउनलोड कर दो उसके बाद इसको इंस्टॉल कर दो। नाउ अभी क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप पर ये HTML करके फोल्डर है और टास्क करके फोल्डर है, यानी कि मेरे पास दो फोल्डर है। ठीक है, जैसे ही मैं इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दूंगा यानी कि विनरार को इंस्टॉल कर दूंगा, आपको जिस फोल्डर की जिप फाइल या फिर उसकी फाइल बना के किसी को फॉरवर्ड करनी है तो उसकी सबसे पहले जिप फाइल बना दो। फॉर एग्जाम्पल मैं HTML फाइल पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो एड अचीव एड टू HTML और बहुत सारी डिटेल आ रही है, कंप्रेस एंड ईमेल और बहुत सब। ठीक है, मैं यहाँ पे कंप्रेस एंड ईमेल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आपको इसको HTML या RAR फाइल या कौन सा एक्सटेंशन देना है, आपको इसकी जिप फाइल बनानी है, जो भी फाइल बनानी है, जो भी नाम देना हो आप दे सकते हो। एज वेल एज एडवांस में आपको कोई उसको फाइल फॉर्मेट देना है, ऑप्शन में कुछ सेट करना है या फिर आपको फाइल में कुछ प्रोटेक्शन देना है, बैकअप टाइम कमेंट रिलेटेड और बहुत कुछ आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। एज वेल एज आपको इसको यहाँ पे सेट पासवर्ड करके कुछ पासवर्ड सेट करना है तो भी कर सकते हो। अभी मैं एक से ज्यादा यानी कि दो फोल्डर को सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ और दोनों की एक साथ जिप फाइल बना रहा हूँ। आप जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसकी जिप फाइल बना दी है। अभी मैं इसको ओपन करके ओके कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसकी एक जिप फाइल बन चुकी है और मेरे पास आ चुकी है और जिस फाइल का नाम है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे ऊपर जैसे ही मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ मेरा यह सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया, HTML की सारी फाइल और टास्क की सारी फाइल यहाँ पे आ चुकी है। नाउ देन उसके बाद आपको जीमेल में जाना है, जीमेल में जाने के बाद कंपोज यानी कि आपको सेंड मेल पे क्लिक करना है, जिसको भी फॉरवर्ड करना है, लाइक मैं ये मेल फॉरवर्ड करना चाहता हूँ jayrami@gmail.com करके। ठीक है, अभी मुझे सब्जेक्ट चाहिए तो मैं लिख रहा हूँ STU device स्टडी डेटा। ठीक है, स्टडी डेटा लिखने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, यहाँ से आपको टेक्स्ट ऐड करनी है, डायरेक्टली कोई अटैच फाइल करनी है, बट कई बार क्या होता है आप कोई फाइल अटैच करते हो डायरेक्टली जिप फाइल अगर नॉर्मल फाइल होगी तो अटैच हो जाएगी, बट कई बार सिक्योरिटी रीजन से एरर दिखेगी, किस तरीके से कि ये फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं है या फिर इसमें वायरस प्रोटेक्शन है या व्हाटएवर, तो आपको क्या करना है डायरेक्टली अटैच नहीं करनी है, आप यहां से लिंक इंसर्ट कर सकते हो, बट लिंक अगर आपके पास डेटा हो गए तब कर सकते हो। ठीक है, इमोजी हो, गूगल ड्राइव हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, हमें ना यहाँ पे गूगल ड्राइव करके जो आइकॉन है उस पर सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर दोगे यहाँ पे अपलोड करके एक बटन आ रहा है, वहां पे जाओ, अपलोड करने के बाद सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, उसके बाद आपको जो भी फाइल आपके कंप्यूटर या मोबाइल में जो भी पाथ पे है उसको सिलेक्ट कर दो, देन यहाँ पे ओके कर दो। जैसे ही आप ओपन करके अपलोड कर दोगे आपकी फाइल फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल ड्राइव के अंदर अपलोड होगी, देन उसके बाद आपका जो भी रिसीवर होगा यानी कि जिसको आप भेजना चाहते हो उसको फाइल मिल जाएगी। ठीक है, मैंने ये फाइल अटैच कर दी। आप इस तरीके से फाइल अटैच करोगे तो आपको कभी भी कोई भी एरर नहीं आएगी कि भाई फाइल सिक्योरिटी पर्पज से सेंड नहीं हो रही है या रीडिंग नहीं हो रही है, हम इसमें कुछ वायरस दिखाई दे रहा है या व्हाटएवर, कोई भी एरर आएगी नहीं। इतना करने के बाद आप सेंड कर दो, जैसे ही आप सेंड पे क्लिक कर दे तो ट्यून ऑन लिंक टू शेयरेबल। हाँ, अगर आपको शेयरेबल इनेबल करना है या फिर इनको ही शेयर करना है तो कोई डेटा है जो मुझे पर्टिकुलर पर्सन को भेजना है तो मैं यहां से ही सिलेक्ट करूंगा और सेंड पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूं मेरा जो मेल है जो जिसको मुझे सेंड करना था उसको पहुंच गया है और उसको पूरी जिप फाइल पहुंची है, यानी कि उसको सारे डेटा मिले हैं। जब भी ये इसको ओपन करेंगे या फिर उसका प्रीव्यू भी हम देख लेते हैं कि वो किस तरीके से, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो फोल्डर वाइज स्ट्रक्चर और बहुत कुछ, देखो पूरा स्ट्रक्चर आ चुका है ड्राइव के लिंक के साथ। अगर आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है, जिस एक्सट्रैक्टर करके है उस सॉफ्टवेयर में चले जाते हो या फिर आपका कोई भी एक्सटेंशन है वहां से आप इसको देखोगे तो आपकी सारी फाइल इसमें दिख जाएगी और आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से आप आपके सारे डेटा आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे सारी फाइल आ चुकी है,
इस तरीके से आप कोई भी फोल्डर हो, सॉफ्टवेयर हो या फिर आपके इंपोर्टेड डेटा हो, आप अपने फ्रेंड के साथ या फिर कोई रिलेटेड स्टूडेंट हो या फिर कोई भी कुछ भी इंपोर्टेड फाइल और सब कुछ आप शेयर कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस AR Info Wiki चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।